हिंदुस्तान शब्द में जो बात है वो किसी भी दूसरे शब्द में नहीं। हिंदुस्तान शब्द सुनते ही हमारे दिलों में दृढ़ता, ईमानदारी और देश प्रेम की भावना जागृत हो उठती है। हिंदुस्तान शब्द अकेले ही हमारे दिलों में स्थित वीर रस की भावना को जागृत करने में सक्षम है। पर क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान शब्द कहाँ से आया है और इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब किया गया था और किसके द्वारा किया गया था? इसे जानने के लिए हमें इतिहास में बहुत पीछे जाना होगा। आज से लगभग 2600 साल पहले लिखी गई ईरानी अभिलेखों में हिंद शब्द का उल्लेख मिलता है। इन अभिलेखों में हिंद शब्द का प्रयोग सिंधु और इसकी सहायक नदियों के आसपास बसे सिंधु क्षेत्र के लिए किया गया था। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 3री शताब्दी में लिखे गए ईरान के सासानी शासकों के अभिलेखों में मिलता है और इस शब्द का प्रयोग भी सिंधु क्षेत्र के लिए ही किया गया है। बाद में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग पूरे अखंड भारत के लिए किया जाने लगा। इसे विडंबना ही कहा जा सकता है कि जिस सिंधु क्षेत्र के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था उस क्षेत्र को अब पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है।